गोपालक ने गौ से दूध पाया, उसे वो अपने मित्र को सौंप कर चला गया। मित्र ने उस दूध में नींबू निचोड़ा, दूध से दही बनाया, फिर उसे मथ के उसमें से मक्खन निकाला। गोपालक जब लौटा तो उसने देखा दूध मक्खन बन चुका था और उसका वो मित्र उस पर अपना अधिकार जमा चुका था। क्या ये सही है? नहीं। सोचिए, यदि दूध ना होता तो माखन कैसे बनता? जिनकी करुणा और ज्ञान दूध के समान है सभी के लिए, उस मुनि बुद्ध ने कभी भी किसी वस्तु पर अपना अधिकार नहीं जमाया, बल्कि प्रेम और विश्वास से सब कुछ दिया मित्र को। पर मित्र ने चोरी की। गोपाल पालक हैं बुद्ध और मित्र ये भिक्षुक देवदत्त। बुद्ध ने परम सत्य का गौरस निकाला और देवदत्त ने उसका माखन बनाकर उस पर अपना अधिपत्य जताया। हम आज अभी गौतम बुद्ध की शरण में जा रहे हैं। आप भूलकर अपने मार्ग से भटक चुके थे। करुणावश हम आपको सही मार्ग दिखाने आए थे। मैंने और भिक्षु सरिपत्ता ने जब ये अनर्थ होते देखा तो मन ही मन निश्चय किया कि हम आपका मन बदलकर आपको वापस ले जाएंगे। बुद्धा ने एक भी प्रश्न नहीं किया हमसे कि हम क्यों उनका संग छोड़ रहे हैं। उनके मन में हमारे प्रति कोई भी शंका नहीं उपजी, क्योंकि बोधिसत्व एक ही व्यक्ति है। शाक्य मुनि गौतम बुद्ध ने अपनी करुणा से ही संग बनाया, सब उनकी उंगली पकड़ के जन्म मरण के खेल से मुक्त होने निकले। इस शुद्ध संग का विभाजन उनकी आंखों के सामने हो, यह अत्यंत पीड़ा की बात है। यदि आप हमारे साथ लौटना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। रुकिए भंते, हमें भी आपके साथ चलना है। बुद्ध के सिवाय दूसरा गुरु हमारा कैसे हो सकता है? अरे ये सब कहां जा रहे हैं? कहां जा रहे हो सब? हम बुद्ध की शरण में जा रहे हैं। उन्होंने हमारे आंखों की पट्टी खोली है, हमें सही मार्ग दिखाया है, हम जा रहे हैं। पाखंडी, धूर्त, देवदत्त के साथ इतना बड़ा विश्वासघात! और जो विश्वासघात भिक्षु देवदत्त ने गौतम के साथ किया? हमें आज्ञा दे भंते। नहीं नहीं, आप लोग नहीं जा सकते। जिसे स्वयं अपने क्रोध पर वश नहीं है वो हमें ज्ञान का मार्ग कैसे दिखा सकता है? मैं भी जा रहा हूँ। हम लोग भी जा रहे हैं। गुरुदेव, सारिपुत्रा और मुगलाना ने आपके साथ बहुत बड़ा छल किया है, आपकी अनुपस्थिति का लाभ उठाया, सारे भिक्षुओं को वापस बुद्ध के संग में ले गए। ये मेरा गुरु भाग्य है कि तू बुद्ध के शरण में गया और अपना अंतर्मन न बदल पाया। तू कभी भी बुद्ध नहीं बन पाएगा। युगो युगो में एक ही बुद्ध होता है। बुद्ध के शरण में जाए।
माला ले, ले और मार मुझे, मार मुझ जैसे सब कुछ जीत कर हारने वाले को दंड मिलना चाहिए। नहीं गुरुदेव, मार मुझे, मार, मार, जोर से मार, इतनी जोर से कि मेरे शरीर से रक्त बहने लगे। हमें क्षमा करें, हमें बचा लें प्रभु। स्वयं आपके सिवाय कोई किसी को नहीं बचाता, कोई किसी को बचा भी नहीं सकता, किसी में क्षमता नहीं। इस मार्ग पर आप सबको स्वयं अकेले ही चलना होगा। हम चलेंगे बुद्ध। हम घर का रास्ता भूल गए थे बुद्ध, अब हम अपने घर आ गए। अब पटवृक्ष हमें अपनी छाया में रहने दें, हमें कृपया संघ में वापस सम्मिलित करें। तुम सब गए ही कब, मेरे सामने नहीं थे, किंतु मेरे हृदय में तो आप सब सदैव ही थे। भटके हुए को मार्ग पे लाने आप दोनों निकले थे। इस मार्ग पर आपको कोई क्षति पहुंचती, उस बात की चिंता थी मुझे। सारा जीवन बुद्ध ने मुझे आने पहुंचाई है, मेरा सब कुछ समाप्त कर दिया, मेरा आश्रम संग सब कुछ टूट। मेरी अपनी माँ ने अपना दांत अच्छा मेरे हाथों से नहीं करवाया, सर्वनाश किया है बुद्ध तुमने, सर्वनाश, सर्वनाश किया है। प्रेम का नाम मत लो, तुम्हारे मुंह से ये शब्द अच्छा नहीं लगता। तुमने मेरी शांति छीन ली है, मुझे अपने पापों का भागीदार बना दिया है। महाराज, कोई यदु आपसे भेंट करने का आग्रह कर रहे हैं। भेज दो उसे। जी। महाराज, देवी आम्रपाली जाते समय ये सौंप गई, कहा इसे महाराज अजात शत्रु को लौटा देना। मेरा ही तिरस्कार नहीं किया आम्रांत, इतने प्रेम से दिए आभूषण भेंट बराती। जाते हुए इसका अर्थ समझाओगे, कहां गई देवी आम्रपाली? आम्रपाली दीक्षा ले भिक्षुणी बन गई है। वैशाली वन में आपसे अंतिम भेंट के बाद उन्हें वैशाली के दरबार ले जाया गया, लगा
सुनवाई तो एक बहाना है, उन्हें दंड निश्चित दिया जाएगा, पर बुद्ध की कृपा से उन्हें आदर पूर्ण निर्दोष घोषित कर दिया गया। देवयामनपाली के हृदय में इतना गहरा आघात लगा कि उन्होंने उसी क्षण सब कुछ त्याग कर बुद्ध की शरण में अपने आप को समर्पित कर दिया। ये हमारे प्रेम की निशानी है। मैं इस उपहार को सदैव ही अपने पास रखूंगी। मैंने खो दिया तुम्हें आमरा, मेरे दिल को सुना कर कहां लुप्त हो गई। इतना प्रेम किया तुमने आमरा और बदले में मुझे घृणा मिली। मुझको छोड़ भिक्षुणी बन गई तू। सुख ऐश्वर्य सब छोड़ बुद्ध की कांटों भरी राह पर चल पड़ी। आखिर क्या है उस बुद्ध में, क्या है उस बुद्ध में जिसकी भी आंखों में मैंने अपने लिए प्रेम और आदर देखना चाहा, उसने एक एक कर मुझे ठुकरा दिया, कर मुझे ठुकरा दिया और बुद्ध को चुना। बुद्ध अनमोल है, उस समस्त मानव जाति को सवारने आए हैं, वो हम सबके दुख दूर करेंगे। अपनी आंखों से अहंकार का पर्दा हटाओ जात शत्रु। बुद्ध कहते हैं अल्प ज्ञान ही विवेकहीनता है। बुद्ध कहते हैं कि भय से मुक्त हो जाओ। भयभीत होके ये मत सोचो कि कल क्या होगा, मेरा क्या। किसी पे निर्भर मत रहो और जब भय को अस्वीकार करोगे तो संपूर्ण मुक्ति मिलेगी। माता पिता प्रेमिका सब बुद्ध की शरण में गए। ऐसी कौन सी शक्ति है उनमें जो बिन लड़े ही सब पर विजय प्राप्त कर गए। मैं बिना कारण उन्हें अपना शत्रु समझता, अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए मैंने अपने पिता की बलि दे दी। मेरी माता ने मुझ पापी से मुंह मोड़ लिया और रामकृपा उसने भी मुझे ठुकरा दिया। उन सब का हृदय जीतने की वासना में एक एक कर उन सब को ही खो दिया मैंने। अब खोने को कुछ शेष ना बचा, मेरे अंदर के सब घाव एक साथ रिसने लगे हैं। इतनी पीड़ा तो मृत्यु में भी नहीं होती। इस पीड़ा से मुझे छुटकारा चाहिए, इस पीड़ा से मुझे छुटकारा चाहिए, मुझे शांति चाहिए। भगवती भिक्षां देहि, ओम भगवती भिक्षां देहि। हमें इतने की लालसा नहीं, रुपया आधा वापस लें।
एक बात बताएंगे जी। मैंने महाराज देखे, परम ज्ञानी पंडित देखे, किंतु सदैव उनके मुख पर तनाव और चिंता का भाव देखा, किंतु आप भिक्षुगण सदैव इतने प्रसन्न और शांत कैसे रहते हैं? जिसने अपने आने वाले कल की चिंता छोड़ दी, उसने अपने बीते हुए कल का भार भी खो दिया। मैं चलूं? नहीं, अभी भी आपका भिक्षा का पात्र खाली है। मेरी ओर से इसे भिक्षा में ले जाएं और स्वयं बुद्ध को दें। महाराज आजाद शत्रु ने कहा है कि उनकी ओर से यह भिक्षा केवल आपको सौंपी जाए। मैं तो परम निर्धन हूं, इस भौतिक सत्ता से मुझे क्या काम? चलो आनंद, शुद्ध है आजाद शत्रु। तो फिर आपके चरणों में आया क्यों नहीं? उसका अहंकार उसे यहां नहीं आने देगा। और आपकी करुणा आपको उस पापे के पास स्वयं लेके जाएगी। क्या ऐसा व्यक्ति आनंद के मार्ग पे चल सकता है? अवश्य चल सकता है। आनंद का कोई मार्ग नहीं होता, आनंद स्वयं एक मार्ग है। आप यहां मुझे बुला लिया हो? हाँ, भीतर आए। मैं तो बस तुम्हें तुम्हारा कुछ लौटाने आया हूं। नहीं बुद्ध, मुझे ये नहीं चाहिए। इस मुकुट की वासना ने मुझसे कितने पाप कराए ये मेरा अंतर्मन ही जानता है। मैंने कभी अपने मन की नहीं सुनी, जीवन भर मैं उसे निर्दयता से कुचलता आया हूं, किंतु आज मेरे भीतर मेरे मन ने विद्रोह कर दिया। मुझे शांति चाहिए, अन्यथा मैं पागल हो जाऊंगा बुद्ध। शांति तुम्हारे अंतर में ही है, उसे बाहर मत खोजो। मैं क्या करूं, क्या करूं? मैं एक घायल श्वान की तरह अपने रिश्ते हुए घाव को चाटू? मैं स्थिर हो जाओ, तुम राजा हो। यदि धर्म से राज्य करोगे तो अपने अंदर सुख और शांति का आधा साम्राज्य पाओगे और वही उपहार अपनी प्रजा को दोगे। नहीं बुद्ध, मैं भीतर से खंडित हो रहा हूं, मेरे तार तार छिन्न भिन्न हो रहे हैं। तुम्हें संगीत में रुचि है? हाँ बुद्ध, मैं वीणा बजाना जानता हूं। तो एक बात समझाओ, यदि वीणा के तार ढीले हों तो क्या तुम उसे बजा सकोगे? नहीं बुद्ध, वो बेसुर ही बजेगा। सत्य कहा। और यदि उसके तार अत्यधिक कसे हुए हों तो? वीणा बजाने पर तार फूट जाएंगे। अर्थात तार वैसे कसे हों, ना तो वो अत्यधिक ढीले हों ना अत्यधिक कसे हुए। यदि तारों के बीच सामंजस्य हो तो ही संगीत उभरेगा, है ना? सत्य कहा आपने। अभी तुम्हारे तार कसे हुए हैं आजा शत्रु, चेष्टा करोगे तो वो टूट जाएंगे। स्थिर हो जाओ, शांत हो जाओ और वीणा के तारों की तरह ही अपने अंतर के तार को पहचानने से संगीत उभरेगा, अवश्य उभरेगा। सत्य कहा आपने, किंतु मैंने बहुत पाप किए, ग्लानी की पीड़ा से मुझे छुटकारा चाहिए। यदि ग्लानी तुम्हें दबोचे हुए है तो उसके कारण बिंदु तक पहुंचो। आजाद शत्रु, जब आंखें खुली तभी सवेरा हो जाता है। स्वयं को सुरीला बनाओ, जब सुरीले हो जाओगे तो अपने अंदर धर्म का उदय पाओगे और उस धर्म से ब्राह्मण, मंत्रीगण, गृहपति सब कंपित होंगे।
सब तरंगित होंगे और जब वो धार्मिक हो जाएंगे तो सारी प्रजा धार्मिक हो जाएगी। सत्य कहा आपने बुद्ध। याद रहे, राजा बल से नहीं अपने हृदय से राज्य करता है। मैं आपकी कही हर बात का स्मरण करूंगा बुद्ध। मैं पापी, अपने पिता का संहार करने वाला, उस अंधकार मोड़ को छोड़ आपके सूर्य समान प्रकाश में धार्मिक बनूंगा। कृपया कर मुझे अपना अनुयाय बनाए। बहुत ही सही, कुपात्र तुम नहीं। यदि पूरे ब्रह्मांड में तुम उस व्यक्ति को खोजोगे जो तुमसे नहीं तुम्हारे प्रेम से प्रेम करता हो तो संपूर्ण ब्रह्मांड में तुम पाओगे केवल तुम। तुम ही ऐसे व्यक्ति हो जो अपने प्रेम और क्षमा के योग्य हो। ये बात सदैव याद रख। आश्चर्य, अति विलक्षण दृश्य। जो अजात शत्रु सदैव रंग भवन में रहा करता था वो आज ध्यान में बैठा। अद्भुत। ध्यान से मैं अभी बहुत दूर हूं। मन को शांत करने का प्रयास कर रहा हूं। तो शांति मिली? मिलेगी कैसे जब शांति को भंग करने वाला अब तक जीवित है तो मन तो शांत रहेगा ही। तुम्हारा आशय बुद्ध की ओर है तो और कौन हो सकता है? इस बार मैंने ऐसा बेजोड़ उपाय निकाला है, तुम मुझे अपनी सेना दे दो फिर देखो क्या करोगे तुम। इस बार केवल बुद्ध नहीं अभी तो उसका समूचा संघ समाप्त कर दिया जाएगा। तुम्हारी सेना के सामने वो मेरी सेना तुम्हें कभी नहीं मिलेगी देवदत्त। और एक बात ध्यान रहे, तुमने या किसी और ने खुद को या उनके संघ को कोई भी क्षति पहुंचाने की कोशिश की तो वो मेरा शत्रु बनेगा। हाँ। अब समझा। भोगी जोगी का वेश पहन रहा है। हाँ, तुम्हारे इस परिवर्तन के पीछे भी बुद्ध की ही चालाकी है। चालाक तो तुम रहे देवदत्त, बुद्ध तो हमारी सोच के बहुत ऊपर है। जीवन भर मैंने आंखों पर पट्टी बांध पाप पर पाप किए और अंततः जब मेरे पापों का घड़ा भरा तो मेरे मन में मुक्ति की आकांक्षा उठी। बुद्ध ने मुझे केवल क्षमा ही नहीं किया अपितु वो मार्ग भी दिखाया जिस पर चल मैं स्वयं को क्षमा कर सकूं और अपने बाकी जीवन में धर्म का अनुसरण कर सकूं। बोधिसत्व को पाए बुद्ध एक अनमोल रत्न है।
इतिहास की चक्की निरंतर चल हम सबको पीस देती है, हम मिट जाएंगे, हमारा नाम दुनिया के इतिहास में लुप्त हो जाएगा, पर बुद्ध की चेतना वो हमेशा इस संसार को रोशनी देती रहेगी। जब जागे तभी सवेर, मैं बुद्ध के चरणों में बैठ उनका न्याय बनूं। विश्वास खाते हो तुम, मित्रता के नाम पे तुमने केवल ठगा है मुझे अजातशत्रु। आज दूसरी बार मैंने तुमसे सहायता के लिए हाथ मांगा और तुमने उसे ठुकरा दिया। याद रहे, बात मैं कभी नहीं भूलूंगा। और जिस बुद्ध की सराहना तुम कर रहे हो ना अजातशत्रु, याद रखना एक दिन वही बुद्ध तुम्हारे हाथ में कटोरा थमा के तुमसे भीख मंगवाएगा। मैं भिखारी बनने को भी तैयार हूं देवदत्त। ठीक है, यही ठीक है फिर, तो बनो तुम भिखारी, पर याद रहे देवदत्त नाम है मेरा, देवदत्त। और देवदत्त ने अपने प्रयासों से अद्भुत शक्तियों को अर्जित किया है जो तुम्हारे बद्ध से निपटने के लिए पर्याप्त है। देवदत्त स्मरण रहे, कुछ भी कर लो बुद्ध का बाल भी बाका ना कर सकोगे। इतनी ठंड में आप बिना गर्म वस्त्र के? ना गर्मी मुझे तपाती है, ना ही सर्दी मुझे कपाती है। अद्भुत है आप, हम आश्रम गए थे, पता चला कि आप भिक्षा के लिए निकल गए। आप हम पर कृपा करें, घर पर भोजन ग्रहण करें। आभार आपका। आभार तो आपका है गुरुदेव, आइए। मरण रहे, कुछ भी कर लो बुद्ध का बाल भी बाका ना कर सकोगे। तुम्हारी मृत्यु का दिन तो निश्चित है सिद्धार्थ, शायद ये कटार से तुम्हारी मृत्यु नहीं लिखी है। तो देखो स्वयं प्रकृति ने मुझे इंगित कर दिया है,
के संसार से तुम्हारे पिता की कैसे होगी? इतनी ठंड में ये व्यक्ति पानी पे डुबकियां क्यों लगा रहा है? ये ब्राह्मण प्रातः स्नान करने को गए, तो जैसे स्नान करके बाहर निकले तो मेढक पैर के नीचे आ, तो उन्होंने सोचा मैं अशुद्ध हो गया, महापाप हो गया, तो उन्होंने फिर उस पाप को धोने के लिए 108 बार डुबकी लगाने का संकल्प किया। सुनिए, आप ठंड से कांप रहे हैं, यदि ऐसा करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। महात्मा, अनजाने में मुझसे पाप हो गया। ये नदी गंगा नदी की उपनदी है, इसमें नहाने के बाद मेरे पाप धुल जाएंगे। इस नदी में डुबकी लगाने से यदि आपके पाप धुल जाएंगे तो इस नदी में रहने वाले मेंढक के ऊपर पांव आने पर आप अपवित्र कैसे हो गए? यदि आपको ऐसा लगता है कि नदी में डुबकी लगाने से आपके पापों का नाश होगा, तो इस नदी में रहने वाली मछलियां, कछुए, सर्प, मेंढक, इन सब को अब तक मुक्ति मिल गई होती। बात तो सत्य कह रहे हैं महानुभाव। नदी में डुबकी लगाने से पापों का नाश नहीं होता, अपने पापों का नाश करने के लिए विवेक जगाना आवश्यक है। इतनी साधारण बात को समझाने वाला कोई असाधारण ही हो सकता है। महात्मन, कब से बनाए हुए रास्ते पर अंधे पशु की तरह चल रहे थे, आपने हमारी आंखें खोल दी। हर वो बात जो लिखी गई, जो हमें सिखाई जाती, जो असंख्य वर्षों से दोहराई जा रही, उसमें संदेह करना, अपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। आप धन्य है महात्मा। Thank you.
ये मेरा अक्षेट है, इसे मैंने बचाया है, ये पक्षी मेरा है। अब ज्येष्ठा को सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दे। मैं पक्षियों को नहीं मार सकता। यशोधरा, ये तुम्हारे लिए, ये सारे पुष्प मेरी ओर से, तुम अपने पास ही रखो। क्या अंतर है मेरे कमल में और सिद्धार्थ के दिए हुए कमल में? ये सारे पुष्प तुमने अपने सेवकों से मंगवाए हैं और सिद्धार्थ स्वयं जाकर लेकर आए हैं। सिद्धार्थ के पैरों में अभी भी मिट्टी लगी है। मेरे ये संशोधन स्वीकार नहीं करें। मां, तेरे देव ने अपना स्वयं का संखड़ा उसने सब कुछ त्याग दिया। इतनी यादगार सही, इतनी तपस्या की, तब कहीं जाके सिद्धार्थ बुद्ध बना। युगो युगो में एक ही बुद्ध होता है। ढोंगी है वो, बोधिसत्व को पाए बुद्ध, एक अनमोल रत्न। हम मिट जाएंगे, हमारा नाम दुनिया के इतिहास में लुप्त हो जाए, पर बुद्ध की चेतना वो हमेशा इस संसार को रोशनी देती है। क्रोध करना अपनी हथेली पर गर्म कोयले को रखने के समान है, जो हम किसी दूसरे पर फेंकना चाहते हैं, पर इस क्रिया में हम स्वयं को ही हानि पहुंचा रहे हैं। आपसे जब आप मांगने योग भी नहीं हूं मैं। शांति से जाओ देवता, बहुत आपको बहुत क्षति पहुंचाई है मैंने बहुत। मुझे तो कुछ भी स्मरण नहीं। बुद्ध धर्म और संघ हर मनुष्य के अंतर में, स्वयं को जगाने की क्षमता बुद्ध है। जागने के बाद हम जिस पथ पर चलते हैं वो पथ धर्म है। स्वयं के मन को एकाग्रित करना, उसे केंद्रित करना,
और उसे एकत्रित करना संघ, और ये तीनों रत्न तुम्हारे अंतर में। धर्मम शरणम गच्छामि संघम शरणम गच्छामि। आरंभ हो गई निर्वाण प्रथा, सुनो सुनो ये बुद्ध कथा। धर्म और संघ हम सब के अंतर में है, जागने की क्षमता बुद्ध है। जाग के जिस पथ पर चले वो धर्म है, और अपने पूरे मन को एकत्र करना संघ है, और ये तीनों रत्न हम सबके अंतर में ही है।